asta am spus asta azi. Kal tak humne 10 transcript pad liye the. Ab aaj hamare baaki 4 transcript bataya tha ki basic hamare paas 14 transcript hain jisme se 14 mein se 10 hum pad chuke hain baaki jo 4 aaj hum pad dete hain 10 ke baad jo hamare paas 11 transcript hai uski zara sibo dekhi shakal dekhenge shakal ke hamare paas एक लाइन नीचे राइट है और एक टॉप से बाहर ये बिल्कुल वही सेम याद है ना आपको जो सबसे पहला ट्रांसफर हमारे पास था ही होगा सेम वही है लेकिन अंदर एक लाइन दे दी है ये उसकी एक्सटेंशन है अब ये हमारे पास है के एच को मिलाकर जो आवाज बनती है के एच को मिलाएं तो उर्दू में इसकी एग्जैक्ट आवाज है ये जो हमारे पास है ख तो ये कंसोनेंट इसकी असल आवाज क्या है ख नाम इसका हमारे पास है खियो खियो खे फिर उसके बाद हमारे पास है जी ये जैसे कैपिटल ई लिखते हैं कैपिटल ई इसकी आवाज क्या है इसकी आवाज हमारे पास है पी एच को जब मिलाए तो क्या बनता है थ इसकी आवाज है थ नाम इसका थियो 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 फिर उसके बाद हमारे पास ये अल्फाबेट है जी जैसे रोमन जबान में आपने देखा होगा दो भी लिखते हैं तो ये हमारे पास है दोबारा से लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं ये ठीक हो गया जी इसकी आवाज हमारे पास है पी एच को जो मिलाए पी एच को मिलाए तो क्या बनता है ख फूल वाला जो ख होता है ख नाम इसका हमारे पास है फियो थियो थियो फियो फिर उसके बाद जो चौदवा कंसोनेंट है एक बड़ी लाइन ऊपर छोटी लाइन और नीचे ये सिंबल जैसे जीरो होता है सबको मिला के दिया कि एक बड़ी लाइन ऊपर छोटी लाइन और नीचे ये सिंबल इसकी आवाज हमारे पास है एच उर्दू में करेंगे तो हे नाम इसका हमारे पास है हियो ये हमारे पास है अगले चार पांच हैं खियो खे थियो थे फियो फे और हियर हे अब हमारे चौथा पांच हैं कंप्लीट हो गए तो आपने क्या करना है इस तरह पहले 10 कंसोनेंट याद किए इसी तरह अच्छे तरीके से ये भी आपने याद करने हैं जब ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है जी मैंने बताया था मैं कुल 40 लेकिन बेसिक 24 24 में से 14 कंसोनेंट वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब एक ऐसे मैं आपको बताऊंगा वावल्स के बारे में कि 14 कंसोनेंट 10 वावल्स बेसिक में हमारे पास 24